जय भगवान जी, आपकी जो अब पूरी भूमिका पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। आपने यहाँ तक कहा है ये जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है उसमें कि एक प्लान बी था कि अगर बाबरी मस्जिद नहीं टूट पाती है तो एक प्लान बी भी तैयार किया गया था। ऐसा है कि कुछ स्टिंग वाली मुझे समझ में नहीं बात। जो बात हमने 6 दिसंबर 1992 को उस तथाकथित बाबरी ढांचा टूटने के बाद स्पष्ट कही थी कि ये ढांचा हम लोगों ने, हमारे साथियों ने गिराया है और उसमें कोई षड्यंत्र या कोई दूसरी चीज़ों की जरूरत नहीं थी। आज पिछले 22 साल से हम CBI को फेस कर रहे हैं, हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। हमने उस वक्त भी कहा था कि 5 लाख जो वहाँ पर कार सेवक जमा हुए थे, सबकी ये भावना थी कि 500 साल का जो हिंदुओं के माथे पे कलंक लगा बाबरी नुमा, ये वहाँ से हटना चाहिए।